गठबंधन पर तीखे पेच कसने वाली बीजेपी अब कर रही है गठबंधन का इंतजार और नए नए लोगों को जोड़ने की कवायद में जुड़ी है बीजेपी। समाजवादी पार्टी ने कुछ दिनों में अपने दो कदावत नेताओं को खो दिया, जिसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राजनीति गठजोड़ में व्यस्त भाजपा देश की आर्थिक दुर्दशा का कारण बन गई है। खेती उद्योग व शेयर बाजार अब हताश के दौर पर गुजर रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है व कारोबार चौपट हो गए हैं। जनता अब खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। भाजपा ने देश को आर्थिक संकट के गहरे कूप में डाल दिया है, ये कहना है अखिलेश यादव का। उन्होंने ट्वीट कर ये अपनी बात को रखा। हम आपको बता दें कि सपा के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने शुक्रवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और सूत्रों की माने तो पश्चिमी यूपी का प्रमुख गुर्जर चेहरा सुरेंद्र नागर जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं और उन्हें भाजपा के टिकट पर फिर से राज्यसभा में भेजा जाएगा। इससे पहले पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर राज्यसभा और सपा सदस्य के इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं सपा अब भी इस दर्द को उभरी ही नहीं थी कि सुरेंद्र नागर के राज्यसभा में इस्तीफा दे दिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।